हेलो गाइस, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट हाउ यू कैन मेक मनी एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो काफ़ी सारे आप में से लोग होंगे जिनको पेंटिंग्स पसंद होगा, स्केचिंग पसंद होगा, बट आपको पता नहीं है कि उस पेंटिंग या उस स्केचेस से आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैं पहले अपना बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, मैंने पहले बहुत सालों से मैंने पेंटिंग्स की है और अभी मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हूँ। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से पेंटिंग्स के अंदर। तो मैं जब अपने कॉलेज डेज के अंदर था, जब मैं आर्किटेक्चर परस्यू कर रहा था, तब मैं बहुत सारे अपने पेंटिंग्स ये सब सेल करता था और उस पेंटिंग्स को सेल करके मैंने लैपटॉप, अपना फ़ोन, अपना बाइक, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उससे ली। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेंटिंग्स अपने सेल कर सकते हो और उससे आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। अभी मेरा क्योंकि कोर्स ख़त्म हो गया और अभी मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैंने कुछ साल जॉब किया और उसके बाद अभी मेरा खुद का एक फर्म है साहू फाउंडेशंस के नाम से। तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसके अंदर मैं सिर्फ इंटीरियर्स की बातें बताता हूँ और इंटीरियर आर्किटेक्चर के अंदर आप कैसे इंटर कर सकते हो, आप खुद एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बन सकते हो और इस फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं उस चैनल के अंदर बताता हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ज़्यादा उनको हेल्प करने के लिए, और जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है वो बातें मैं आपको बताता हूँ। तो पेंटिंग्स मैंने खुद सेल की है, उससे काफ़ी अमाउंट जनरेट किया है, वो सारे प्रोसेसेस मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन मैं आपको बताऊंगा और ऑफलाइन मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि ऑनलाइन आप कैसे सेल कर सकते हो। उस वेबसाइट में भी जाके मैंने अच्छे से दिखलाया कैसे अपलोड करते हैं, मेरी कौन सी पेंटिंग्स बिकी है, कितना उसमें रेवेन्यू हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर दिखला रखा है। इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा आपको फोकस करूँगा कि कैसे आप ऑफलाइन जनरेट कर सकते हो अमाउंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऑफलाइन जनरेट कर सकते हो। देखो, जब मैं अपने टाइम पे मैं जब कॉलेज में था, जब मैं पेंटिंग्स करता था, तो सबसे पहले तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क देखना होगा कि आप कम से कम उस स्टैंडर्ड का पेंटिंग्स आप बनाओ कि अगला उसको खरीदने के लिए रेडी हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं बट उनका क्वालिटी शायद उतना अच्छा ना हो कि अगला खरीदना चाहे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप इस चीज़ को देखो कि आपका पेंटिंग्स इतना अच्छा तो होना चाहिए कि अगला खरीद सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ अपने पेंटिंग्स दिखला देता हूँ। देखो, मेरे ऑफिस में भी यहाँ पे पेंटिंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मेरे आर्ट वर्क्स हैं और कुछ आर्ट वर्क्स मैं ऐसे भी अपलोड कर दूंगा आपको, और भी बहुत सारे मेरे पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप नॉर्मली गूगल पे भी अगर सर्च करते हो संजीव कुमार आर्टिस्ट या फिर आप पेंटिंग्स मेरे सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो गूगल के अंदर संजीव कुमार पेंटिंग्स। इस तरीके से भी करोगे तो आपको गूगल में बहुत सारे मेरे पेंटिंग्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि स्टैंडर्ड ऑफ पेंटिंग आपका होना चाहिए। फिर सेकेंडरी, मैंने पेंटिंग सेल कैसे की, मैंने जितने मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के अंदर थे उन लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनको मैंने अपने पेंटिंग्स कहा कि मैं अब पेंटिंग सेल कर रहा हूँ। पहले मैं हमेशा से पेंटिंग्स करता था, उस चीज़ को अपलोड करता था, लोगों को इतना तो पता था कि यार ये पेंटिंग करता है और ये अच्छे पेंटिंग्स करता है, बट मैं कभी भी पेंटिंग सेल नहीं करता था। तो जब मैंने सेल करना स्टार्ट किया अपने पेंटिंग्स को, तो मैंने सबसे पहले अपने पेंटिंग्स का एक छोटा सा पोस्टर बनाया और उस पर मैंने लिखा कि आई एम सेलिंग माई पेंटिंग्स, तो हुएवर इज़ इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी। तो अब देखो, इसमें क्या है कि जब आप नॉर्मली कहते हो कि पेंटिंग्स किसी को खरीदना है, तो इंडिया के अंदर आर्टवर्क्स का, क्रिएटिविटी का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जैसे फ्रांस जर्मनी में होता है कि वहाँ पेंटिंग्स अच्छा खासा अर्न करते हैं, तो इंडिया में वैसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आपका जो पैशन है वो अगले के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो फिर मैंने जब मैंने उस तरीके से किया तो कुछ पेंटिंग्स तो मेरे बिके, बट उसके बाद फिर जो सेल्स है वो स्लो हो गया क्योंकि मेरे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थे सिर्फ वही लोग ऑर्डर कर रहे थे। तो मैंने देखा कि क्योंकि मैं कॉलेज में था, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट करना है तो आप उसको एक पेंटिंग गिफ्ट कर दो, किसी को बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना तो उसको पेंटिंग गिफ्ट कर दो। तो उस तरीके से मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो पोर्ट्रेट्स नहीं बना पाएंगे, तो अगर आप नहीं बना सकते हो तो पहले आप पोर्ट्रेट बनाना सीख लो। अगर आप जानते हो बनाना तो वेल एंड गुड, आप स्केचेस आप सेल करो, आप पेंटिंग सेल करो, तो आप उस तरीके से आप उसको सेल कर सकते हो। अगर आप प्राइसिंग का पूछोगे तो आप स्टार्टिंग आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो पर स्केच,
आप एक फेस को स्केच करने का आप 1000 रुपीज़ ले सकते हो, बाद में उसको बढ़ा के आप 1500, 3000 और 5000 कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वर्क। आपका जितना अच्छा वर्क होगा लोग उतना पे करने के लिए रेडी रहेंगे। और देखो हर किसी को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करना ही रहता है, किसी का ओकेजन रहता है तो वो लोग कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करता है। तो अगर आप पेंटिंग्स देते हो, आप स्केचेस देते हो, उस चीज़ को प्रमोट करते हो तो लोग उसको खरीदेंगे। जब उनको पैसे खर्च करने ही हैं इधर ना उधर, तो वो इस पर भी खर्च कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और 1000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि लोग स्पेंड ना कर सके, तो इतना तो लोग खर्च कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा था, तो जब स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा था तो अमाउंट भी छोटा था। तो इसी तरीके से मैं काफ़ी समय तक तो उसी तरीके से किया, और हर एक पेंटिंग का मैं 1000 रुपये, 3000 रुपये इस तरीके से चार्ज करता था। महीने भर के अंदर 10000, 15000 हो जाता था। बट मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो जो मनी है वो काफ़ी कम है। बट ठीक है, एज अ स्टूडेंट काफ़ी था, 10-15 हज़ार रुपये अगर आप महीने कमा लेते हो थोड़ा मेहनत करके तो चलता। दैट टू पार्ट टाइम मैं करता था, कॉलेज करता था और फिर शाम में पेंटिंग्स ये सब करता था। तो मुझे ऐसे भी शौक़ था, तो वो भी पूरा हो गया, और मैं जब लोगों को देता था लोग खुश भी होते थे, तो वो भी अच्छी चीज़ थी। बट बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके से सिर्फ नहीं चलेगा, अगर मुझे अमाउंट अपना बढ़ाना है तो मुझे तरीका तो बदलना पड़ेगा। तब मैंने क्या किया, मैंने पास के जो रेस्टोरेंट्स वाले थे मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और वहाँ पर अपने पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस लगाए। तो एग्जीबिशन लगाने से क्या होता है कि बाहर के लोग भी आपका पेंटिंग्स देखते हैं, वो लोग भी वैल्यू करते हैं, वो लोग भी खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो एक वो भी चीज़ हो गया, आप उस तरीके से भी पेंटिंग्स को सेल कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स करके सेल करना वो इनफ नहीं है, तो मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स जो नए नए बन रहे थे, कुछ जगह जो बन रहे थे वहाँ पर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। और काफ़ी सारे कैफ़ेज़ में आपने देखा होगा कि वॉल पेंटिंग्स बने हुए रहते हैं और अच्छे अच्छे वॉल पेंटिंग्स बने रहते हैं, तो मैंने उस तरीके के लोगों से कॉन्टैक्ट किया और उनसे कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा पेंटिंग्स मैंने उनको दिखाया और उनको कहा कि मैं आपके कैफ़े को डेकोरेट कर सकता हूँ। तो उनको वैसे भी रेनोवेट करना था, स्टूडेंट एरिया था, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया और पर वॉल का मैं 10000-15000 रुपये लेता था। 3 दिन लगते थे एक वॉल डेकोरेट करने में, तो आप ऐसे समझ लो कि 3 दिन लगते थे, अगर मैंने उस तरीके के 4 वॉल 5 वॉल भी कर दिए तो 50000-60000 रुपये मैं आराम से जनरेट कर लेता था। बट इसी तरीके से चलता रहा, बट बहुत समय तक मैंने वो चीज़ नहीं किया क्योंकि मेरा खुद का भी अलग से कोर्स था, आर्किटेक्चर मेरा कोर्स था, मुझे इंटर्नशिप्स करने थे, जॉब करने थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैंने स्विच कर लिया और ज़्यादा मैं फ्रीलांस वर्क उसके अंदर करने लगा, अपने फील्ड के अंदर आर्किटेक्चर इंटीरियर के अंदर करने लगा। और फिर वहाँ से ही मैंने जॉब वॉब जब स्टार्ट कर लिया तो पेंटिंग से सब कम्प्लीटली बहुत ही कम हो गया। फिर सिर्फ वापस से वैसे ही शौक के लिए मैं सिर्फ बनाता था, पहले भी शौक के लिए बनाता था, अभी भी सिर्फ शौक के लिए बनाता हूँ। बीच में मुझे लगा कि नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत है, तब मैंने पेंटिंग्स सेल करने स्टार्ट किए थे, उस टाइम पर मैंने पैसे जनरेट करने स्टार्ट किए थे। तो अब देखो ये तो हो गया कि आप कैसे अमाउंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, मैंने खुद का दिमाग लगाया, खुद से सोचा कि किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, उस तरीके से मैंने जनरेट किया। अभी जो मुझे रियलाइज़ होता है कि अभी थोड़ा सा अगर मैं उस समय पे और थोड़ा सा दिमाग लगाता तो मैं और भी ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर सकता था, लगभग 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये महीने का मैं जनरेट कर सकता था। वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप क्या कर सकते हो कि आप जब भी अगर एग्जीबिशन लगाते हो, जैसे मैं जब एग्जीबिशन लगाता था तो आप उस एग्जीबिशन का आप प्रमोशन पहले करो। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता था, उस टाइम पे मैं नॉर्मली जो लोग हैं उनको बता देता था उस फ्रेंड सर्कल में, और थोड़े बहुत जगह सोशल मीडिया पर अपडेट कर देता था, और काफ़ी सारे मीडिया कवरेज मेरे को मिला। एक मेरा अलग से एक वीडियो है हाउ टू सेल पेंटिंग्स करके मेरे दूसरे चैनल के अंदर साहू फाउंडेशंस, तो उसके अंदर मैंने अपना सारे डिटेल्स दिखाया हुआ है, मेरे सारे पेंटिंग्स उसमें दिखाए हुए हैं, जो भी मीडिया कवरेज मिला था, कहाँ कहाँ मेरे पेंटिंग्स पब्लिश हुए थे अलग अलग मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, वो सारी चीज़ें हैं। नेशनल रिकॉग्निशन मेरे को मिला है, मैंने सेलिब्रिटीज़ को पेंटिंग्स दिया है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे क्लाइंट रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत बता दिया है, तो वापस से मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताना चाहूँगा। तो जब आप इस तरीके से पेंटिंग सेल करते हो तो आप पहले उसको डिजिटली थोड़ा सा पहले प्रमोट कर लो, हाइप आप बना लो। तो जब हाइप रहेगा आपके वीडियो जब हाइप रहेगा आपके पेंटिंग्स का, आपके एग्जीबिशन का, तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा आएंगे और उस तरीके से आपका जो पेंटिंग सेल होना है उसका भी चांसेस बढ़ेगा।
फिर सेकंड चीज़ क्या है कि जो पेंटिंग्स है वो है आपका हैंडमेड चीज़ है, ठीक है ना, फिजिकल वर्क है। तो फिजिकल वर्क आप बार बार नहीं बेच सकते हो, एक पेंटिंग को एक ही बार बेच सकते हो, ठीक है। इसका अल्टरनेट क्या है कि आप जो पेंटिंग करते हो वो पेंटिंग का आप एक डिजिटल प्रिंट निकालो, या फिर अगर आप पेंटिंग कर रहे हो आप सीधा सीधा आप थोड़ा सा डिजिटली प्रैक्टिस करो और डिजिटल पेंटिंग्स ज़्यादा बनाओ। डिजिटल पेंटिंग्स का फ़ायदा क्या है कि आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, उस पेंटिंग को आप कैनवस के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। जहाँ पे भी अगर अच्छे शॉप्स अगर आपके होंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स जो प्रिंट करते हैं, दुकान के जो फ्लेक्स प्रिंट करते हैं अच्छे जगह पे, उनके पास एक और कपड़ा भी होता है, कैनवस पेपर उसको कहते हैं, ठीक है। तो कैनवस पेपर जो रहता है वो सेम जैसा आपका कैनवस होता है जिसके ऊपर आप पेंटिंग बनाते हो, सेम उस तरीके का ही वो भी रहता है और उसके ऊपर भी प्रिंट करता है। आपने कई जगह देखा होगा गिफ्ट शॉप ये सब में जो पेंटिंग्स वो लोग सेल करते हैं, तो वो सारे डिजिटल प्रिंट्स होते हैं। तो अगर आप डिजिटल आर्ट बनाते हो और फिर आप उसको प्रिंट करते हो, तो आप उसको मल्टीपल टाइम प्रिंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आपके पास डिजिटल आर्ट हो गया, आप उसको स्केल कर सकते हो उस लेवल को, तो आप अमेजोन के अंदर उसको अपलोड कर सकते हो और अमेजोन पर प्रमोट कर सकते हो। एक बार अगर आपका ऑनलाइन चल गया तो आप डिजिटली जितने चाहो उतने बेच सकते हो। अगर आप फिजिकल पेंटिंग बनाओगे तो एक पेंटिंग एक बार बेच पाओगे, बट अगर आप डिजिटल पेंटिंग बनाओगे तो एक पेंटिंग को आप कई बार बेच सकते हो। तो आप अमेजोन के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर, ये सब जगह पे आप पेंटिंग्स को अपलोड कर सकते हो, डिजिटल पेंटिंग्स आप सेल कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बस कहूँगा कि जब भी आप इस तरीके से करो तो आप वहाँ पे कभी भी ये मत शो करना, मतलब आप हाइड मत करना ये डिजिटल पेंटिंग है, क्योंकि कई सारे लोग मैंने देखा जो ऑर्डर कर देते हैं ये सोच के कि मेरे को हैंडवर्क मिलेगा पेंटिंग्स में। जो शौकीन लोग हैं वो लोग ऑर्डर कर देते हैं और फिर उनको डिजिटल पेंटिंग मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा उनको दुख होता है, और दुख होगा तो एट द एंड आपको रिव्यू ख़राब मिलेगा, मे बी रिटर्न कर देंगे, एट द एंड किसी काम का वो नहीं रहेगा और आपका कोई फ़ायदे का वो बिजनेस नहीं रहेगा। तो आप इसीलिए कभी भी अगर पेंटिंग अपलोड करो, डिजिटल आर्ट बनाते हो, तो उस पर अच्छे से मेंशन करो कि ये डिजिटल आर्ट है। अगर फिजिकल आपका आर्ट है तो आप उस पर मेंशन करो कि ये फिजिकल आर्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने की थी कि मैंने बुटीक्स वालों को कांटेक्ट किया था। तो बुटीक वालों को क्या होता है कि उनके पास ड्रेसेस, मुझे जो कांटेक्ट मिला था वो जो जूती होता है लेडीज़ का, तो वैसा जूती पे मुझे पेंट करना था। बहुत सारे उनके पास वैसा, बहुत सारे आइटम्स उनके पास थे जो लेडीज़ के लिए बुटीक में रहता है, जूती हो गया, उनका ड्रेस हो गया, एक सूट भी था, तो सूट ये सब भी रहता, तो उसके ऊपर वो लोग डेकोरेट करवाना, तो वहाँ पे हैंडवर्क का ज़रूरत पड़ता है और बुटीक से ये सब ज़्यादा कस्टमाइज चीज़ होती है। तो वहाँ पे भी आप अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारे उस तरीके के कपड़े मिल सकते हैं, कुछ कुछ आर्ट वर्क जैसे कि ईयरिंग्स ये सब मिल सकता है जिसको आप अगर अच्छे तरीके से डेकोरेट करो तो बुटीक वाले उसको यूज़ कर सकते हैं। एक दो जगह पे आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे लोगों को इसका रिक्वायरमेंट होता है। हाँ देखो, डायरेक्टली कोई आपका पेंटिंग नहीं खरीदेगा, बट किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक क्रिएटिव आर्ट रहेगा तो उसको लोग ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है। अगर आज आज ही आप अगर देखोगे नॉर्मल एक जो आप देखो जो पानी वाला बॉटल होता है, ठीक है, मिट्टी का, आप प्लेन मिट्टी का बॉटल लोगे वो 20 रुपए का मिलेगा, और वही 20 रुपए का तो नहीं, 100 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का आपको वो मिट्टी वाला बॉटल मिलेगा। और वही आप अगर ये लोगे उस पर जो पेंटिंग्स किया हुआ रहता है वो अलग, अगर आप बॉटल लोगे जो सुंदर से डेकोरेटेड रहता है तो आपको 150-200 रुपए का मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा 1.5 या फिर टू टू टाइम्स उसका प्राइस हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आर्ट वर्क। तो आप जब आर्ट वर्क करते हो तो उसका वैल्यू वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वैल्यू बढ़ेगा, जब अगले को बढ़ के वैल्यू मिलेगा तो वो आपको भी वैल्यू देगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से देखो कि आप कैसे किसी एक प्रोडक्ट को इन्हेंस कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये सारे तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आप पेंटिंग से अमाउंट जनरेट कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे कि मैंने किया। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो और अभी आपका सिर्फ एक पैशन है, आपका सिर्फ एक शौक है पेंटिंग का, आप उसको डाइवर्ट करके किसी और फील्ड में ले जाना चाहते हो जैसे कि मैंने किया, मेरा पेंटिंग्स में शौक था तो फिर मैं एक आर्किटेक्ट बना, जो कि मेरा उसी से डिज़ाइनिंग वर्क से ही हमेशा एसोसिएटेड रहा। आज भी मेरा जो पेंटिंग्स है, मेरा स्केचेस है, मेरे फील्ड के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अगर आपको अपने ही फील्ड को ही आगे बढ़ाना है, किसी और फील्ड के अंदर लेके जाना है, अपने ही पेंटिंग स्केचिंग के पैशन को आपको और आगे बढ़ाना है, तब तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो, कार डिज़ाइनर बन सकते हो, और ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो आप कर सकते हो। तो
तो इस चीज़ के लिए मेरा एक सेपरेट चैनल है जो कि साहू फाउंडेशंस करके है, जिसके अंदर मैं सिर्फ इंटीरियर की बातें बताता हूँ। मेरे क्लाइंट्स और इन लोगों के लिए वो ज़्यादा चैनल है। मैं जो प्रोजेक्ट्स करता हूँ वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेटेड रहते हैं। मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए ऑफलाइन भी ट्रेन करता हूँ और ऑनलाइन भी ट्रेन करता हूँ। तो ये दोनों तरीके से मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। उनको कोई हेल्प चाहिए होता है वो भी मैं देता हूँ, उनको PDF देता हूँ, उनको ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ, साइट एग्जीक्यूशन करवाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने कोर्स के अंदर करवाता हूँ। तो अगर आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको भी लगता है कि मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, कुछ चीज़ें करनी है इस फील्ड के अंदर, तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ पेंटिंग करना है तो पेंटिंग के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से इन डेप्थ बता दिया है, वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो भी आप करना चाहो पूरे मन से आप करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।